बीजेपी में आखिर एक और योगी की बहुत जल्द होने वाली है एंट्री, आप भी जानिए। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल और दूसरे अन्य हिंदुत्व संगठन परिपूर्णानंद स्वामी का भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के अंदर चर्चा चल रही है कि परिपूर्णानंद स्वामी को लोकसभा चुनाव या हैदराबाद की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। माना जा रहे है कि पार्टी उन्हें सिकंदराबाद या मलकानगिरी लोकसभा सीट या फिर कारवान या भाजपा को चंद्रजागुट्टा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। भाजपा को दक्षिण राज्यों में स्थानीय दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित पार्टी तेलंगाना में कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी स्वामी का साथ मिल गया है। हिंदुत्व संगठनों ने फैसला लिया है कि वह उनका इस्तेमाल दक्षिण भारत में हिंदू वोटों को लुभाने के लिए करेगी। उच्चतम स्तर पर लिया जाए फैसला। भाजपा विधायक एनवीएसएस प्रभाकर स्वामी का स्वागत करने के लिए विजयवाड़ा के काकीनाड़ा स्थित मठ पहुंच गए हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि मैं पहले ही तेलंगाना विधानसभा के अंदर बोल चुका हूँ कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए। समय निर्णय करेगा कि स्वामी परिपूर्णानंद कब राजनीति में आएंगे। यह फैसला उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 10 दिन पहले स्वामी परिपूर्णानंद ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बेंगलुरु में मुलाकात की थी। इसके अलावा हालिया आरएसएस की आंतरिक समन्वय समिति के दौरान यह निर्णय लिया गया कि उस नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा जो दक्षिण की स्थानीय भाषाओं को बोल सकता है। आदिवासी हिंदुओं पर है अच्छी पकड़। स्वामी परिपूर्णानंद की दक्षिण भारत के आदिवासियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनकी स्थानीय भाषाओं पर अच्छी पकड़ है और भाजपा को दक्षिण भारत में एक ऐसे नेता की जरूरत है कि वह स्थानीय भाषाओं के साथ साथ दक्षिण हिंदुओं पर अच्छी पकड़ रखता हो। स्वामी परिपूर्णानंद भाजपा की इस सोच में फिट बैठते हैं।